द हिमालय लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया टू अरुणल प्रदेश एंड इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर लॉन्ग फॉल ऑन एड ये कहा ना करता हिमालय नॉर्थ ऑफ इंडिया में इसको एडॉप ऑफ स्नो कहते हैं ठीक है जम्मू कश्मीर से श्रोतर कहाँ एंड होता है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है जैसे हमारा ये ठीक है जम्मू कश्मीर से होता है स्टार्ट और आपके ईस्टर्न बॉर्डर तक ठीक है और यह कितना ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर की लॉन्ग वॉल बनाता है नॉर्डर्न बॉल्स द हिमालयन इंजर्स कैन बी इनटू थ्रू पार्ट्स द वेस्टर्न पार्ट दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश सेंट्रल पार्ट उत्तराखंड टू ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश और जो शेप है हिमालय की वो एक आद ठीक है अगर हम बात करें जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहां से है जम, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको उत्तराखंड टू ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कहां से है सिक्किम टू अरुणाचल द हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैन भी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग ग्रेट हिमालयन मिडिल हिमालय लोअर हिमालय और मार्सी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश और तराई रीजन ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं मिडल हिमालय हिमाचल ठीक है और लोअर हिमालय शिवालिक और जो मार्सी लैंड होता है उत्तर प्रदेश का उस समय कहते हैं तराइली द ग्रेट हिमालय और हिमाचल इट इज द हाइएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इट इज कॉल्ड हिमादवी इट हैज मेनी पीक द हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट अबाउट एट एट फोर्टी एट मीटर इट इज सिचुएटेड इन नेपाल ऑफ हिमालय रेंजेज आर कंचनजंगा नंगा पर्वत और नंदा देवी ठीक है नंदा देवी आपसे उत्तराखंड में लाई करती है नंगा पर्वत भी आपकी यहाँ लाई करती है हिमाचल प्रदेश ठीक है इसकी ये अलग अलग डिफरेंट पीक्स है द ग्रेट हिमालय रेंजेस आर कव थिक स्नो थिक स्नो स्लोप्स डाउन एंड गिव टू मैनी ग्लेशियर अ ग्लेशियर इज अलो मूविंग एयर ऑफ आइस दे आर द सोर्सेज ऑफ मैनी पेनिसुलर रिवर लाइक इन दस गंगा सतला यमुना ब्रह्मपुत्र और कोशल ये ग्लेशियर क्या है स्लो मूविंग रिवर है हमारी आइस की ठीक है ये सोर्सेज है बहुत सारे पेनसुलर रिवर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सतलाज यमुना और ब्रह्मपुत्र मिडल हिमालय और हिमाचल द हिमाचल इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री और शिवालिक रेंजेस द हिमाचल हिमालय लाइज बिटवीन ट्वेंटी हंड्रेड मीटर टू फोर्ट फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर अब दिन

बुग्याल और प्यार कहा जाता है में उत्तराखंड इट हैज होली प्लेसेस बद्रीनाथ केदारनाथ शिमला नैनीताल मसूरी रेनी खा रे रानी और दार्जिलिंग बद्रीनाथ केदारनाथ तो आपके होली प्लेसेस है और कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जैसे शिमला हो गया नैनीताल हो गया रानी खेत हो गया और मसूरी हो गया लोअर हिमालय और शिवालिक तिवालिक तो रेंजेस आर लोकेटेड बिटवीन सिक्स हंड्रेड मीटर टू तो,

खड़े हो जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि जो कोल्ड विंड है जो नॉर्थ सारे वो नॉ दे चेक द साउथ वेस्ट मानसून एंड हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल इन द कंट्री ठीक है ये चेक करते हैं साउथ वेस्ट मानसून को और हेल्प करते हैं इन रेन कॉजिंग रेनफॉल मैनी पैरानियल रिवर ऑरिजिनेट्स ऑफ द हिमालय और बहुत सारे जो पैरानियल रिवर्स है वो आपकी कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं आपके हिमालय से ही ऑरिजिनेट होते है.

मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है आपके हिमालय में हिमालय बट इट मेनी क्रैक्स दीज पास प्रोवाइड नेचुरल वे टू गेट क्रॉस हाई माउंट ठीक है ranges, cracks. Cracks passes. Passes बहुत सारे क्रैक्स है बीच बीच हम क्या कहते हैं पासिस जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पेंसिल्ला एमस्लान खारदुंगला बनेघा और जो जिला ये क्या है आपके जम्मू कश्मीर के पास हिमाचल का कौन सा है लोहतांग और शिपके हम बात करें उत्तराखंड की लिपू लेख मानस पास मंगछादूरा और नीति पास सिक्किम नाथुला और जिलेपला अरुणाचल प्रदेश की बात करें बॉमटेला दिहांग पास योंग्स पास और चंकन पास ये किसके आपके अरुणाचल प्रदेश ठीक है नाउ लाइफ इन वेस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय में लोगों की लाइफ स्टाइल कैसा है

ठीक है इसको हम हैवन ऑन द अर्थ भी कहते हैं अगर हम बात करें इसकी दो कैपिटल है समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल क्या है जम्मू दाल लेक शिकाराज आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट ट्रेडिशनल ड्रेसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फेमस फॉर द एम्ब्रॉयडरी एंड इंप्रिकेट डिजाइन मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ अपिर इज वो बाय एंड वीयर पजामा विद इट वुमेन वीयर सड़का जाते हैं यहाँ पे जो मेन और वुमेन है वो फिर पहनते हैं मैन पजामे के साथ पहनते हैं वुमेन सलवार के साथ कश्मीर फूड इज मेनली मेनलीट बेस्ड बट पीपल आल्सो हैव सम फेमस वेजिटेरियन डिशेस डिशेज करम साग नादिर पालक खावा इज फेमस ड्रिंक दैट इज टेकन आफ्टर मील फिडनी इज फेमस स्वीट डिस्ट ऑम जम्मू एंड कश्मीर खावा जो है वो फेमस ड्रिंक है मील के बाद हुई जाती है और जो फिडनी है वो फेमस स्वीट डिश है दुमहल एंड रोफ आर पॉपुलर फोक डांसेज ऑफ द पीपल कश्मीरी लद्दाख की डॉगरी उर्दू आर द मेन लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है वो है? क्या है कश्मीरी लद्दाखी डोगरी और उर्दू हिमाचल प्रदेश इज स्टेट ऑफ विलेज पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला एग्रीकल्चर एंड डेयरिंग गोट्स एंड शीप्स आर द मेन ऑफ इसकी कैपिटल क्या है शिमला है

कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम ठीक है देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उसकी कैपिटल भी करते हैं और कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं तो वो लोगों को क्योंकि बहुत सारे बद्रीनाथ केदारनाथ में तो लोग उनको घुमाने वगैरह का काम भी बहुत ज्यादा करते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम इज गैंगटॉक एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन फ्रूट स्पाइसिस

मेघालय मीन्स अ लैंड ऑफ फ्रे यहाँ पे हमेशा क्या रहती है बारिश है ऐसा कोई भी टाइम है जब बारिश ना हो ठीक है आंसर दिवीजन ऑफ द हिमालय नाउ हमने डिविजन पढ़ा ग्रेट हिमालय हिमाचल हिमाद्री शिवालिक ठीक है और तराई रीजन आपको ये बताना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाईस्ट रेंगे ऑफ हिमालय जो हाईस्ट रेंगे क्या लिखना है शॉर्ट नोट ले राइट द नेम्स ऑफ होली प्लेसेस एंड हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द दिडल बद्रीनाथ केदारनाथ ठीक है ये सारे क्या है आपके कुछ हिल स्टेशन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय क्योंकि ये क्या करती है हमें जो उधर एक तो ये बॉर्डर को बचा कर रखते है कि कोई बापी उधर से आ ना जाए और दूसरा जो वो मॉनसून विंड्स जो आती है कोल्ड विंड उनसे हमें बचा राइट एंड आउट ऑन ड्रेसेज एंड डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है नाटी वाला जो डांस है इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कौन से स्टेट्स को सेवन सिस्टर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा असम। ये सब क्या है आपके सेवन सिस्टर स्टेट्स एंड यू हैव टू राइट द स्टेट्स हिमाचल द हिमाल नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन द हिमालयन एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश ठीक है

Dash. dash is an important pass of Sikkim that is Nathula and the summer capital of Jammu and Kashmir is Lanka. Now we will start with the fill in the blanks. Highest rainfall is recorded in dash in Meghalaya. Kahan? Mawsingdol. Dash is the main festival of Assam that is Bihu. Dash is the capital of Sikkim, that is Gangtok. Dash is the capital of Dehradun, Dehrad Uttarakhand, that is Dehradun. <laughs> Dash is a famous si re tribe residing in Himalayas. राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ दाइक आपको ऑफ माउंटेन है। होते हैं माउंटेन रेंज ऑफ अलॉन्ग स्कर्ट वॉन बाय वोमेन इन सिक्किम उसे हम क्या कहते हैं बोकू रिवल दट फ्लोज थ्रू आउट दैरिनियल रिवर लो एरिया सराउंड बाय हेल्स ऑफ माउंटेन ठीक है जिसमें हेल्स ऑफ माउंटेन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैं बेली के आने अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस जो स्लो मूविंग रिवर ऑफ खाइस होती है उसे हम क्या कहते हैं ग्लेशियर नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स नैनीताल इज द हिल स्टेशन लोकेटेड इन द मिडल इट्स ट्रू तो ये कहा लाया करता है उत्तराखंड क्या है ये ट्रू है दिहांग इज एन इम्पोर्टेंट पास सिचुएटेड इन द अरुणाचल प्रदेश उर्दू इज द मोस्ट स्पोकन नॉट स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर बोली जाती है मणिपुरी इज अ फेमस क्लासिकल मणिपुरी इज अ फेमस क्लासिकल डांस ऑफ पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट्स ट्रू मेघालय मीन्स लैंड ऑफ फ्लावर्स फॉल्स इसे क्या कहा जाता है लैंड ऑफ रेन कहा जाता है ठीक है The exercise has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.